Hey everyone, this is Ankush. Welcome to another lecture series of MCQs on economics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, that is MCQs on production function and laws of production. Question number one says, there are dash number of factors of production. कितने factors of production हैं? ये question कह रहा है. तो सबसे पहले we'll understand what do you mean by production. देखिए, production होती है कोई भी ऐसा process जिसमें economic activity involve हो. ठीक है, क्या involve हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, अब हम ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करें वो भी प्रोडक्शन है. जी बिल्कुल, वो भी प्रोडक्शन है, लेकिन वो लिमिटेड है टू मैन्युफैक्चरिंग. अगर देखिए इनपुट है, फिजिकल इनपुट्स हैं कोई, उसको हम आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का. एंड येस, मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी एक पार्ट है प्रोडक्शन का, लेकिन खाली मैन्युफैक्चरिंग ही प्रोडक्शन नहीं है. देखिए, रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, ये सारे इनपुट्स होते हैं. इन इनपुट्स को हम प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है. ठीक है, हमें कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हमें ज़्यादा यूजफुल कॉमोडिटीज, यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब फिर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन देखिए, कोई भी प्रोसेस जिसमें मैंने अभी बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है. अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, टेंजिबल प्रोडक्ट आपने बना दिया. अब हमने क्या किया, इस टेंजिबल प्रोडक्ट को बना के कहीं पे स्टॉक किया. ठीक है, अभी हमने उसको मार्केट में देना है, लेकिन हमने उसको फिलहाल कहीं पे किसी गोडाउन में आप मान लीजिए स्टॉक करके रखा है. तो जब हमने उसको गोडाउन में स्टॉक करके रखा हुआ है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे? दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन. वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है जब हम स्टॉक करके अपनी गुड्स को रख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन. अब फिर इस स्टॉक को हमने क्या किया भाई, ट्रांसपोर्ट वाला आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, ट्रक आया, कुछ आया, उसमें हमने वो लोडिंग करी अपनी स्टॉक की, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो प्रोडक्शन. अब वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो कहाँ गया प्रोडक्ट? वो वेयर हाउस में गया, यानी कि वेयर हाउसिंग हुई. वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो प्रोडक्शन. वेयर हाउसिंग के बाद रिटेलर के पास गया वो प्रोडक्ट, रिटेलिंग हुई, तो रिटेलिंग इज ऑल्सो प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्शन का पार्ट है. देखिए, प्रोडक्शन जो है ये दो चीज़ों का होता है, या तो गुड्स का होगा, या तो प्रोडक्शन जो है वो गुड्स की होगी या तो सर्विस की होगी, है ना. गुड्स होते हैं टेंजिबल इन नेचर, यानी विच वी कैन सी, जिनका फिजिकल एट्रीब्यूट है वो गुड्स होगी. सर्विसेज होगी इनटेंजिबल, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते. सर्विस सेक्टर फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सर्विस सेक्टर है. ठीक है, एक्टर्स हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एक्टर्स ऑल्सो डू मतलब सर्विसेज. ठीक है, टीचिंग है, टीचिंग जो है वो भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है. ओके, इन ये सारी चीज़ों में प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, वेदर दैट इज़ टीचिंग, वेदर दैट इज़ एक्टिंग, वेदर दैट इज़ सिंगिंग. म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, या फिर लॉयर्स हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी दैट इज़ एवरीथिंग इज़ प्रोडक्शन. ठीक है, कंसल्टेंट्स हैं, करियर काउंसलर्स हैं, या फिर सोशल वर्कर्स हैं, ये सारे किसमें इन्वॉल्व होते हैं? प्रोडक्शन में. सो एवरी प्रोसेस इज अंडरगोइंग प्रोडक्शन. ठीक है, ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं. देयर आर हाउ मेनी लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स को हम मीन्स भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम है. फैक्टर्स को मीन्स भी कह सकते हैं, फैक्टर्स को हम इनपुट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, रिसोर्स भी कह सकते हैं. ओके, इसको रिसोर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, रिसोर्स, ये सारे किसके वर्ड्स हैं? ये सारे फैक्टर्स के लिए. हम इनपुट्स भी कह सकते हैं, फैक्टर्स को मीन्स भी कह सकते हैं, रिसोर्स भी कह सकते हैं. ओके, कितने फैक्टर्स हैं? देखिए, वैसे तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने ब्रॉडली हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरली. ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आता है? लैंड. लैंड में क्या इंक्लूड हो जाता है? जो भी नेचुरल रिसोर्स है, रिवर है, जैसे पानी है, एयर है, ठीक है, या सॉइल है. सॉइल के साथ, सॉइल से ही प्रॉपर्टी बनेगी, लैंड बनेगी. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज किस में आ जाती हैं? लैंड में, विच इज़ आर फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड इज लेबर. लेबर में हमारे पास स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लेबर्स आ जाते हैं. ठीक है, व्हाइट कॉलर्ड इम्प्लॉयज़ से लेके ब्लू कॉलर्ड इम्प्लॉयज़ तक, यानी कि अपर लेवल इम्प्लॉयज़ से लेके लोअर लेवल इम्प्लॉयज़ तक, जो डेली वेज अर्नर्स हैं और जो जनरल मैनेजर है किसी कंपनी का, सारे किस में आ जाते हैं? लेबर में आ जाते हैं. ठीक है, ओके, थर्ड पे आ जाता है कैपिटल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल. ठीक है, कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, कई बार सी से भी करते हैं. ठीक है, ये क्या होता है कैपिटल? देखिए, कैपिटल इज कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ओनर अपनी
अपनी जेब से करता है, ठीक है ना। ओनर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। फिर चाहे वो मनी है, फिर चाहे वो बिल्डिंग है। सपोज ओनर के पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी एक्स्ट्रा, उसके पास एक बिल्डिंग थी स्पेयर, तो उसने क्या किया, उस बिल्डिंग में एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बिल्डिंग भी इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फर्नीचर था उसके पास, कोई घर पे आइडल पड़ा हुआ, तो उसने वो फर्नीचर जो है अपनी बिल्डिंग, अपनी बिजनेस में लगा दिया, कंपनी में लगा दिया, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल, राइट। तो कैपिटल इज जस्ट नॉट मनी, इट इज़ द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर एनीथिंग विच द ओनर इन्वेस्ट्स इन अ बिजनेस, ठीक है। अकाउंट्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर जो, यानी जो बिजनेस मैन है और जो बिजनेस है, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। इसी के तहत हम ये कैटेगराइज करते हैं कि कैपिटल जो है वो अलग अलग तरीके का है, क्योंकि कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं बिजनेस की। लायबिलिटी क्या होती है, जो आपने फ्यूचर में जाके पे करनी है, ठीक है। तो कैपिटल को भी हम इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस मानते हैं कि हमने फ्यूचर में ये कैपिटल जो है वो रीपे करनी है ओनर को। फिर चाहे वो हम करें नहीं करें, चाहे वो ओनर वो कैपिटल वो रीपेमेंट उसके एक्सेप्ट करें नहीं करें, क्योंकि उसका अपना ही बिजनेस है। लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट्स में ये स्टडी करते हैं कि बिजनेस और बिजनेस एंड बिजनेस मैन या ओनर, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, वो दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। खैर ये तो अलग बात रहेगी, ठीक है। तो नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से, देयर इज लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो फोर्थ वन है दैट इज, फोर्थ वन जो है दैट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर इज वन, एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, ओनर ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो जो बिजनेस ने जिस जो बिजनेस को ओन करता है, ठीक है, जिसकी कैपिटल लगी है, जो जिसने आइडिया दिया है बिजनेस का, जनरेट किया है, तो ही इज़ द ओनर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारे पास फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर टू सेज इन जनरल कैपिटल मीन्स, कैपिटल किसे कहते हैं, अभी हमने समझा कि कैपिटल किसे कहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ओनर करेगा बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहेंगे। तो वेदर दैट इज बिल्डिंग, वेदर दैट इज मशीनरी, ठीक है, वेदर दैट इज मनी, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, हमने कहा इनपुट्स को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं, कुछ इनपुट्स हमने लगाए तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट मिला, राइट। अब ये जो रिलेशन है ना इस इनपुट और आउटपुट में, हम मतलब यही मान के चलते हैं ना कि हम जितना इनपुट लगाएंगे हमें आउटपुट उतना ही मिलेगा, जितनी लेबर लगाएंगे उतना आउटपुट मिलेगा, जितनी कैपिटल लगाएंगे उतना आउटपुट मिलेगा। मतलब हम नॉर्मली तो हम यही बोलेंगे, जनरली तो हम यही बोलेंगे कि मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, है ना, यही लगा के चलेंगे। तो अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो रिलेशन है कि कितनी इनपुट आपने कितना लगाया तो कितना चेंज आया आउटपुट में, उस रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन नाउ, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, व्हाट इट इज़, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, समझ आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम एक इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, तो उस इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, वेयर K इज कैपिटल एंड L इज लेबर, ठीक है। Q इज आउटपुट, Q क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। तो Q क्या है, आउटपुट है, Q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इट इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, है ना, तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ये इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ओके। अब आ जाओ जी, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हमने टाइम फेजेस, टाइम विद रेफरेंस टू टाइम डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग बिजनेसेस जो हैं वो अलग अलग डिफाइन करेंगे कि उनका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स क्या हैं। देखिए जो बड़े बिजनेस हैं उनके लिए लॉन्ग रन जो है वो 5 साल 10 साल का भी हो सकता है, शॉर्ट रन उनके लिए 1 साल 2 साल का भी शॉर्ट रन हो सकता है, जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए शॉर्ट रन 2 महीने 6 महीने का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इकोनॉमिक्स में कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस कि उनके लिए शॉर्ट रन या लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या है। आप इतना समझिए कि अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो वो शॉर्ट रन में आएगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो लॉन्ग रन में आएगा जो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, ओके। सो दिस इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ओके।
नाउ व्हाट इज शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए जब हम शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये छोटे टाइम पीरियड के लिए है, तो इसका मतलब हम इसमें जो हमारे इनपुट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो मीन्स हैं, उनको ऑल्टर नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते. तो यानी कि जो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट रन में मैक्सिमम जो हमारे इनपुट्स हैं ना, वो क्या होंगे, वो इनइलास्टिक होंगे, यानी वो इनइलास्टिक होंगे, यानी वो फिक्स्ड होंगे, है ना. मैक्सिमम इनपुट्स जो हैं वो फिक्स्ड होंगे. तो यानी कि इसमें एक ही प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो वेरी करेगा. हम ये मान के चलते हैं कि इसमें एक ही प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो वेरी करेगा. एक ही ऐसा फैक्टर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, जो इलास्टिक है, दैट इज़ लेबर. तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है शॉर्ट रन की. जनरल इक्वेशन हमने क्या कहा था, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है. वाइल एज शॉर्ट रन की जो इक्वेशन है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओनली लेबर, बिकॉज ओनली लेबर इज इलास्टिक, ओनली लेबर इज इलास्टिक इन शॉर्ट रन. ओके, तो यानी कि शॉर्ट रन में कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो फिक्स्ड भी हैं, है ना, जैसे कैपिटल फिक्स्ड है. हम सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी इक्वेशन को, प्रोडक्शन फंक्शन को, हमने क्यों Q इज इक्वल टू एफ ऑफ के और L लिया है. आप ये सोचेंगे क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हम एंटरप्रेन्योर को भी इसमें ले लेते हैं, लैंड को भी ले लेते हैं, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारी इक्वेशन. तो प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने खाली कैपिटल और लेबर ही लिया. उन्होंने कहा कैपिटल और लेबर जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, तो हम खाली कैपिटल और लेबर को ही लेके चलते हैं अपनी इक्वेशन में, ठीक है. तो शॉर्ट रन जो है, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओनली लेबर. मैं आपको क्या कह रही थी कि यानी कि लेबर जो है वो इलास्टिक है, ठीक है, और जो लेबर जो है वो इलास्टिक है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं, स्पेशली जो के है, कैपिटल जो है वो इनइलास्टिक है, वो फिक्स्ड है. यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, ठीक है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट बोथ. ओके, ऑलराइट. नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है. सप्लाई ऑप्शन सी देख लीजिए, कैपिटल इज इलास्टिक, कैपिटल को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. सप्लाई ऑफ इनपुट्स इज इलास्टिक, नहीं है इलास्टिक, ठीक है. सप्लाई ऑफ सर्टेन इनपुट्स इज इनइलास्टिक, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है. ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो इनइलास्टिक हैं, यानी कि कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो फिक्स्ड हैं. बिल्कुल, कुछ इनपुट्स हैं जो फिक्स्ड हैं और कुछ इनपुट्स हैं जो वेरिएबल हैं, जैसे कि लेबर. तो यहाँ पे इनइलास्टिक क्या है, कैपिटल इज इनइलास्टिक इन केस ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है. ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन है जहाँ पे Q इज इक्वल टू फंक्शन, जो हमने जनरल जो इक्वेशन है प्रोडक्शन फंक्शन की, वो लॉन्ग रन की ही है बेसिकली, जहाँ पे कैपिटल और लेबर, यानी कि ऑल, बेसिकली ऑल इनपुट्स, ऑल फैक्टर्स आर इन आर इलास्टिक, जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है. तो ऑल इनपुट्स आर इलास्टिक, सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं. यानी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ क्या इन्वॉल्व होगी, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों हैं, क्योंकि वेरिएबल भी है हमारे पास, फिक्स्ड भी है. यहाँ पे खाली वेरिएबल हैं, क्योंकि सारे के सारे इनपुट्स जो हैं वो इलास्टिक हैं, ठीक है. ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू ए के रेज पावर अल्फा, एल रेज पावर बीटा, वे अल्फा एंड बीटा आर ऑलवेज. तो पहले बता देती हूँ इसका आंसर है ऑप्शन ए. अब ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए कॉब और डॉगलस जो हैं दो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं ये. सी डब्ल्यू कॉब हैं और डॉगलस, दिस इज पॉल एच डॉगलस, ठीक है. दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये एक प्रोडक्शन फंक्शन दी थी. बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, अपने ही नाम से इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन बना दी, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. तो जनरल फॉर्म जो है प्रोडक्शन फंक्शन की क्या है, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के आर एल, ठीक है. तो इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस ला दी, इन्होंने क्या कहा, क्यू इज इक्वल टू ए के, ठीक है, के रेस पावर अल्फा एंड एल रेस पावर बीटा. कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में आपको ये अल्फा और बीटा स्मॉल ए और स्मॉल बी के साइन में भी दिखेंगे, ठीक है. तो वो एक ही चीज़ है. अब ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, क्यू इज द आउटपुट, आपको पता है, ठीक है. क्यू क्या है, आउटपुट है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, ठीक है. ए को क्या कहते हैं हम, ए को हम कहते हैं रेजिड्यूअल, क्या कहते हैं, रेजिड्यूअल और टेक्निकल चेंज. इसको क्या कहते हैं, रेजिड्यूअल और टेक्निकल चेंज, ठीक है. अब के जो, अब ये अल्फा और बीटा क्या है, के और एल तो आपको पता है कैपिटल लेबर है. अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है इनको आप कोफिशिएंट्स ऑफ कैपिटल और कोफिशिएंट्स ऑफ लेबर भी कह सकते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है.
कोफिशंस भी कह सकते हैं, इनको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। पैरामीटर्स ऑफ इनपुट्स ये क्या है, के और एल क्या है, इनपुट्स हैं, ठीक है। तो इनको पैरामीटर्स ऑफ इनपुट्स भी कहते हैं, इनको कोफिशंस भी कहते हैं, इनको इलास्टिसिटीज ऑफ कैपिटल और लेबर भी कहते हैं। तो तीन नाम है इनके लिए, पैरामीटर्स, कोफिशंस और इलास्टिसिटीज, ठीक है। अब क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखिए क्या है, सपोज आपके पास जो पहले जो आउटपुट, आपने कुछ इनपुट्स दिए, आपको आउटपुट मिला 10, कितना मिला 10। अब जो है आउटपुट जब आपने इंक्रीज़ किए, कैपिटल लेबर इंक्रीज़ किया, तो आपको आउटपुट कितना मिल गया 15। तो यानी कि चेंज कितना आया, चेंज कैपिटल में डेल्टा क्यू कितना आया, चेंज इन आउटपुट कितना हुआ, चेंज इन आउटपुट हो गया 5, ठीक है। अब ये 5 जो है ना, चेंज इन आउटपुट कितना हुआ 5। अब ये जो 5 है, आप मान लीजिए कि हमें पता लगा कि ये जो 5 का जो चेंज आया वो 2 का चेंज, 2 यूनिट्स का चेंज आया बिकॉज ऑफ कैपिटल, और बाकी 2 यूनिट्स का चेंज आया बिकॉज ऑफ लेबर। एक यूनिट बच गया ना। अब ये जो बचा हुआ यूनिट है एक, ये किसकी वजह से चेंज आया, ये चेंज आया जी आपका इस ए की वजह से। किसकी वजह से, ए की वजह से, रेजिड्यूअल, ठीक है। तो ऐसा पार्ट ऑफ आउटपुट, देखिए ऐसा पार्ट आउटपुट का जो एक्सप्लेन ना हो पाए, वो कौन एक्सप्लेन करता है, ये ए एक्सप्लेन करता है, ए वो पार्ट एक्सप्लेन करता है, वो पोर्शन एक्सप्लेन करता है आउटपुट का, जो हमें पता नहीं लगे ये आउटपुट कहाँ से इंक्रीज हुआ, तो वो रेजिड्यूअल या टेक्निकल चेंज की वजह से आता है, ठीक है। और जो अल्फा और बीटा होते हैं, इनकी जो वैल्यू है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, इनकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, कभी भी माइनस नेगेटिव में नहीं होती है। हाँ, पॉइंट कुछ हो सकती है, 0.33 इस तरीके की वैल्यू हो सकती है, 0.3 में, 0.2 में, लेकिन इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। और ये जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये हमेशा क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 6 सेज कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज, सो इट इज ऑलवेज लीनियर एंड होमोजीनियस। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये हमेशा लीनियर और होमोजीनियस होती है। अब ये लीनियर होमोजीनियस क्यों होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें आप जितना इनपुट देंगे ना, आपको उतना ही साइमल्टेनियस प्रोपोर्शनेट, आपको उतना ही प्रोपोर्शन में आउटपुट भी मिलेगा। दैट्स वाई इट्स, ये जो इसका जो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर एंड होमोजेनियस, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ, देखो हमने कहा कि एक हमारे पास ये शॉर्ट रन है, एक हमारे पास लॉन्ग रन है। अब इन दोनों के बेसिस पे कुछ लॉज हैं, आपके सिलेबस में लॉज ऑफ प्रोडक्शन दिए हुए हैं, ये यही लॉज हैं, ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के। शॉर्ट रन के ऊपर ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उस पे बेस्ड है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए कौन सा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये किसके रिलेटेड है, लॉन्ग रन के रिलेटेड है। देखिए ऐसे याद रखना, आप जहाँ पे भी आपको वेरिएबल प्रोपोर्शन दिखेगा ना, वेरिएबल जहाँ पे भी वेरिएबल दिखेगा वो किसके रिलेटेड होगा, शॉर्ट रन, और जहाँ पे भी स्केल दिखेगा वो किसके रिलेटेड होगा, लॉन्ग रन के। आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक स्केल है जो बहुत लंबी है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग रन के रिलेटेड क्या हुआ, स्केल। तो इन शॉर्ट वी हैव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आपको आता है सिंस यू एंटर योर रिविजन मोड, अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट नाउ वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो किस पे बेस्ड है, शॉर्ट रन पे बेस्ड है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ओके। शॉर्ट रन पे बेस्ड है, सबसे पहले आपको पता ही है, और शॉर्ट रन में हमने क्या कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो खाली इसमें लेबर जो है वो इलास्टिक है, ओनली वी कैन चेंज लेबर, कैपिटल लैंड फिक्स रहेगी, जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, वो फिक्स रहेगी, ओके। तो वो फिक्स रहेगी, सिर्फ इलास्टिक क्या होगी जी, लेबर, ओके। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टेज 1 एंड्स वेयर, स्टेज 1 कहाँ एंड करती है, तो तीन स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वी हैव थ्री स्टेजेस, ठीक है, थ्री स्टेजेस हैं हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब वो थ्री स्टेजेस जो हैं वो कौन सी हैं, सो वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज जो है वो कौन सी है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी स्टेज जो है दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और तीसरी स्टेज हमारे पास दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स, आपको ये याद रखना है, ठीक है, वो नेगेटिव है, ओके। अब वो क्या है, कैसे है, वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। देखिए
पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक, देखिए क्या है इसमें, लैंड हमारे पास जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है, लैंड जो है हमारे पास वो फिक्स है, इसलिए हमने एक 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 यूनिट ले लिए लैंड के, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है दैट इज़ लेबर। अब क्या है, लैंड जो है मेरी वो फिक्स है, ये समझ लीजिए आप पहले, लैंड जो है मेरी वो क्या है, फिक्स है, इसमें मैं कुछ लेबर लगा सकती हूँ, क्योंकि लेबर जो है वो शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, मैं वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने लेबर को चेंज कर सकती हूँ, लेबर मैं जितनी मर्जी इंप्लॉय करूँ, एक करूँ, दस करूँ, बीस करूँ, तो वो मेरी मर्जी है, ठीक है। अब मेरे पास ये खेत है, एक लैंड है, यानी कि खेत है, ठीक है, यहाँ पे वीट प्रोड्यूस होता है, वीट की प्रोडक्शन होती है मेरी इस लैंड में, ठीक है। मैं जितनी लेबर इंप्लॉय करूँगी, मैं ये मान के चलूँगी कि मेरी जो वीट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करेगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए लॉ ऑफ डिमांड, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि आप जितनी जितनी वेरिएबल, जो आपके पास वेरिएबल इनपुट है, यानी कि वेरिएबल इनपुट क्या है, लेबर, आप जितना लेबर इंप्लॉय करोगे तो आपका पहले जो आउटपुट है, स्टार्टिंग में जो आपका आउटपुट है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। आउटपुट जो है वो स्टेज वन में इंक्रीज़ करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आप जब व्हेन यू कीप ऑन एडिंग, व्हेन यू कीप ऑन इम्प्लॉइंग लेबर, जब आप और ज़्यादा लेबर लगाते जाओगे तो जो आपका आउटपुट है फाइनली वो क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कहता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके लिए मैं एक प्रोवर्ब बोलती हूँ कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी फूड, आप जितने ज़्यादा कुक्स जो है एम्प्लॉय करते जाओगे तो जो फूड है आपका वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पहले तो है वो ठीक बनना स्टार्ट होगा, थोड़ी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा कि वो जो हमारी जो ज़्यादा लेबर हम जब इंप्लॉय करना शुरू करेंगे तो कुछ लेबर जो है वो आइडल बैठी रहेगी, ठीक है। तो इससे जो हमारा आउटपुट है वो डिक्रीज़ और कहीं एक टाइम पे तो नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है, जब मैंने एक लेबर इंप्लॉय किया तो मुझे ये है टोटल प्रोडक्शन, है ना, ये है मार्जिनल प्रोडक्शन और ये है एवरेज प्रोडक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे टोटल प्रोडक्शन क्या है। एक लेबर इंप्लॉय किया तो मुझे कितनी वीट की, कितने वीट के बैग्स मिले, तीन वीट के बैग्स मिले। फिर मैंने क्या किया, दूसरे लेबर को भी भेज दिया कि भाई तू भी जा, तो सेवन बैग्स ऑफ वीट्स मुझे उससे मिले, ठीक है। फिर मैंने तीसरी लेबर भी भेज दी तो मुझे 12 बैग्स मिले। फिर मैंने फोर्थ लेबर भी भेजी तो मुझे 16 बैग्स मिले। फिर मैंने फिफ्थ लेबर भेजी तो मुझे 19 बैग्स मिले। ऐसे ऐसे मुझे बैग्स मिलते गए, ठीक है, यहाँ तक। ये जो मेरा पॉइंट है सेवन्थ पे, जब मैंने सेवन्थ नंबर ऑफ लेबर भेजी ना तो मेरे को कितने बैग्स मिले, 22। उसके बाद जब मैंने एट्थ लेबर भेजी, अब यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा था, जब मैंने एट्थ लेबर भेजी तो ये आइडल बैठा रहा, मतलब इसने कोई काम नहीं किया क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं थी काम करने की, ठीक है ना, वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे जी मेरी स्टेशनरी स्टेगनेंट हो गया, उसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको। इनफैक्ट आप एक और यूनिट ऐड कर सकते हो, टेंथ लेबर मैंने भेज दी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा, 20 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ मैं अगर टेंथ यूनिट भी भेज देती हूँ तो यहाँ एक और माइनस वन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, व्हाट इज दिस टोटल प्रोडक्शन, नाउ टोटल प्रोडक्शन आती है, टोटल प्रोडक्शन किसे कहते हैं कि टोटल आउटपुट कितना है, सिंपल सी बात है, कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, आपने कितनी लेबर लगाई तो आपको कितना आउटपुट मिला, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है एमपी, टोटल प्रोडक्शन को टीपी भी कहते हैं, टीपी, ये है हमारे पास एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन किसे कहते हैं, देखो चेंज इन आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज़ दी चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। आपने जब ये देखो एक लेबर लगाई तो आपको तीन टीपी मिला, इस टाइम पे एमपी भी कितना था, तीन, ठीक है, कोई क्योंकि चेंज नहीं थी। अब जब आपने दूसरी लेबर लगाई तो टीपी कितना मिला, सेवन। तो अब तो मैं एमपी, जब मैंने दूसरी लेबर लगाने से मुझे जो टोटल प्रोडक्शन मिली तो पहली प्रोडक्शन से कितना फ़र्क आया, एमपी इज़ चेंज इन टीपी, एमपी इज़ व्हाट, कितना चेंज आया टीपी में, जब मैं और लेबर इंप्लॉय करूँगी तो कितना चेंज आया, ऑब्वियसली माइनस करेंगे, सेवन में से थ्री माइनस कर दी तो कितना आ गया, फोर, ये आ गया जी फोर, ठीक है। उसके बाद जब मैंने एक और लेबर, थर्ड लेबर इंप्लॉय की तो टीपी मेरे पास 12 था, ठीक है, फिर से 12 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया मेरे पास, ठीक है, 5 आ गया। फिर जी आप ये 16 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 16 में से 12 माइनस कर दीजिए तो 4 आ गया, ठीक है। फिर 19 में से 16 माइनस कर दो, 3 आ गया। फिर 21 में से 19 माइनस कर दो, 2 आ गया। फिर 22 में से 21 माइनस कर दो, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमें एमपी जो है हमारा मिला, ठीक है। पहले हम सिर्फ टीपी और एमपी में समझ लेते हैं क्या है टीपी और एमपी।
ठीक है। अब हम आप देखिए एक चीज़ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3, 7, 12 ठीक है, 3, 7, 12 यहाँ तक जो है, पहले 3 था, फिर 7 हुआ, फिर 12 होगा, डिफरेंस कितना आया, 3, 4, 5 इंक्रीज कर रहा है ये जो है ना मेरी, यहाँ तक, यहाँ तक, ये है स्टेज वन। ये क्या है, स्टेज वन है। स्टेज वन में क्या होता है, टीपी भी इंक्रीज कर रहा है और टीपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है। टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, 3 से 7 से 12 इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, 3, 4, 5 इंक्रीज हो रहा है। फिर सेकेंड स्टेज जो है, सेकेंड स्टेज जो है वो है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मेरा टीपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगेन सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो टीपी है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी टीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। अब देखिए डिमिनिशिंग रेट कैसे, यहाँ पे, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट कैसे, क्योंकि पहले 3, 4, 5 एमपी अगर हम देखें तो 3, 4, 5 था, यहाँ पे क्या हुआ, 4, 3, 2, 1 डिक्रीज होना शुरू कर गया, ठीक है, डिफरेंस जो है वो कम होना शुरू हो गया, है ना। पहले 3 से 7 जा रहा था, देखो 4 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, अब वही डिफरेंस जो है वो 3 का रह गया, 2 का रह गया, फिर 1 का रह गया, तो टीपी जो है बढ़ तो टीपी रहा है, 16 से 19 ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, फिर 21 है, फिर 22 है, ज़्यादा ही है, लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट। तो टीपी इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। और जो एमपी है, और जो एमपी है ना, रिस्पेक्टिव एमपी जो है वो यहाँ पे फॉल होना शुरू हो गया। हमने ये देखा, देखो 3, 4, 5 यहाँ तक एमपी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 0 यहाँ पे तो हमारा एमपी जो है वो फॉल करना शुरू कर गया, यहाँ पे जो हमारा एमपी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे एमपी जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, स्टेज टू में। स्टेज वन में क्या था, टीपी इंक्रीजिंग एमपी इंक्रीजिंग। स्टेज टू में क्या हुआ, टीपी इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट और एमपी तो डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखो एमपी तो डिक्रीज़ होने शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड स्टेज पे। जो हमारी थर्ड स्टेज है वहाँ पे जो हमारा, ये देखो 22 से 21 आ गया, ये थर्ड स्टेज है, यहाँ से थर्ड स्टेज है, ठीक है, ये थर्ड स्टेज है। अगर आप यहाँ पे 10th यूनिट ऐड कर देते हो, यहाँ इसको 20 लगा लो, एक और -1, तो यहाँ पे ये जो, ये मेरा जो था, ये टीपी था, यहाँ पे जो टीपी है वो डिक्रीज़ होना शुरू कर गया, यहाँ पे टीपी इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, टीपी इज़ डिक्रीजिंग। और एमपी जो है वो तो नेगेटिव में चला गया, एमपी तो नेगेटिव चला गया, ये देखो -1, ये एमपी वाला था ना, ये एमपी था, ठीक है, तो ये क्या बन गया, -1, ये भी क्या बन गया, -1, क्योंकि 21 में से 22 जो है, 22 जो है बड़ी फिगर है, तो ये किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब टीपी और एमपी के बीच में जो रिलेशन है ना, उसको हम एक कर्व से ड्रॉ करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हम आप मान लीजिए टीपी कर्व है, ये लेबर है, ये टीपी कर्व है, ये ऐसे गई टीपी कर्व, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे हो गई, मैक्सिमम कहाँ पे थी, ये 22 पे मैक्सिमम है टीपी, आप यहाँ देख सकते हो, और उसके बाद वो डाउन होने शुरू हो गई, ये है मेरी टीपी कर्व। पर टीपी जो है ये आपने देखा, ये नेगेटिव नहीं हुई, ये 21 पे रुक गई, 21 पे रुक गई, ठीक है, ये देखो ऐसे करके बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो टीपी है वो 21 पे रुक गई, ऐसे आई फिर ऐसे, वो यहाँ 21 पे रुक गई, दिस इज़ माई टीपी कर्व। एमपी कर्व जो है, ये देखिए एमपी जो है वो स्टार्ट तो इसके साथ साथ ही हुई, लेकिन एमपी जो है वो कम है ना, टीपी से हर जगह पे लेस है, तो यानी कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कर्व है वो इससे थोड़ी छोटी आएगी। और जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है 22 पे, कहाँ पे टीपी मैक्सिमम है, 22 पे, यहाँ पे 22 पे टीपी मैक्सिमम है, उस टाइम पे एमपी जो है वो ज़ीरो है, याद रखना। तो यानी कि ज़ीरो है तो ये यहाँ पे एक्सिस को टच करेगी, ज़ीरो है तो, उसके बाद फिर ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन है इससे एसोसिएट करेगा, ठीक है, यहाँ पे। यानी कि एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे एमपी ज़ीरो होती है, क्या होती है, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे एमपी जो है वो ज़ीरो होती है। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। ये फिर से बता देती हूँ कर्व, ये टीपी कर्व है और ये आपकी, ये है टीपी कर्व और ये है आपकी एमपी कर्व, ठीक है, ये नेगेटिव चली जाती है, और जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एमपी जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप इस पे, एवरेज प्रोडक्शन पे, एवरेज प्रोडक्ट पे, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का क्या है, एवरेज प्रोडक्ट में क्या, एवरेज प्रोडक्ट किससे, किसके बराबर होती है, एवरेज प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरेज प्रोडक्ट होती है टीपी अपॉन आउटपुट, टीपी अपॉन आउटपुट,
ठीक है। तो आउटपुट टीपी अपॉन आउटपुट ऑफ, ये आउटपुट नहीं, इसको बोलेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है, टीपी अपॉन लेबर बेसिकली, किसके बराबर होते हैं, टीपी अपॉन ये लेबर, ठीक है, टीपी अपॉन लेबर। तो टीपी हमारा आउटपुट है, एक टाइप का आउटपुट ही है, और ये लेबर है, ठीक है। तो आप देखेंगे 3/1 कितना आया, 3, फिर 7/2 यानी 7/2 कितना आया, 3.5, फिर 12/3 कितना आया, 4, और ऐसे ही सो ऑन हम चलते रहेंगे। 16/4 फिर से 4 आया, ठीक है, 4 आया यहाँ पे, ये 19/5, ठीक है, ये 3 point something आएगा। तो ये ऐसा ही है, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। अब एवरेज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ना, अगर हम स्टेज वन की बात करें, ठीक है, स्टेज वन की बात करें जहाँ पे टीपी इंक्रीज़ कर रहा था, एमपी इंक्रीज़ कर रहा था, तो यहाँ पे एमपी जो है वो बड़ा है एवरेज प्रोडक्ट से, एमपी बड़ा है एवरेज प्रोडक्ट से। स्टेज टू की बात करेंगे तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो 3, 2, 1 ये एमपी की वैल्यूज़ है, यहाँ पे 3 point कुछ आएगा, यहाँ पे भी 3 point something आएगा, यहाँ पे 2 point something आएगा। सेकेंड स्टेज में आके जो एपी है ना वो बड़ा हो जाएगा एमपी से, और थर्ड स्टेज में तो ऑब्वियसली एपी जो है वो बड़ा होगा एमपी से, क्योंकि यहाँ पे तो एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चला गया है थर्ड स्टेज में, है ना, यहाँ पे तो नेगेटिव में चला गया है। तो ये रिलेशन है एपी में, ठीक है, तो एमपी में। ये थी हमारी टोटल, ये टोटल प्रोडक्ट, ये था हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो कि नेगेटिव में भी चला गया है, और ये है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट जो है नेगेटिव में नहीं जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में एमपी से बड़ा था, लेकिन उसके बाद वो एमपी से मार्जिनल प्रोडक्ट जो एमपी से पहले, ये एवरेज प्रोडक्ट से पहले बड़ा था, उसके बाद फिर वो एवरेज प्रोडक्ट से, एवरेज प्रोडक्ट बड़ा हो गया एमपी से, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये रहा हमारा, ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसके देखिए 3 stages हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन के, ओके। स्टेज वन जो है वो सिंपल सी बात है, स्टेज वन जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज टू जो है, अब ये जो रिटर्न्स, ये जो हमने स्टेजेस है ना, ये हमने मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर बनाई हैं। स्टेजेस किस पे बनाई हुई हैं, स्टेजेस आर बेस्ड अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज वन सेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं इसमें, ठीक है। स्टेज टू जो है उसमें क्या है, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न है, और स्टेज थ्री में क्या है, नेगेटिव रिटर्न है। ये 3 नाम आपने याद रखने, 3 stages याद रखने, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, और थर्ड इज नेगेटिव, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टेज वन कहाँ पे एंड हो रही है, स्टेज वन कहाँ पे एंड हो रही है। तो स्टेज वन वहाँ एंड होती है जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम होता है। स्टेज वन वहाँ ख़त्म होती है जहाँ एपी मैक्सिमम होता है। ये देखिए यहाँ पे एपी जो है ये मैक्सिमम है ये, और यहाँ पे ही आपकी स्टेज वन जो है ये ख़त्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेज टू कहाँ पे ख़त्म हुई, तो ये भी आप नोट करके रख लो कि स्टेज टू वहाँ पे ख़त्म होता है, ख़त्म होती है, स्टेज टू वहाँ पे ख़त्म होती है जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है ना वो मैक्सिमम होती है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। अब ये देखिए टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है, सपोज ये है जी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये है टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम यहाँ पे है। तो ये जो है यहाँ पे आपकी स्टेज टू जो है वो ख़त्म हो रही है, और यहाँ से स्टेज थ्री जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एमसीक्यू सेशन है, इतना एक्सप्लेन इतना ब्रीफली नहीं हो पा रहा है, पर जितना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 8 सेज इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज एंड एंड्स वेयर एपी इज मैक्सिमम। तो ये है जी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, एपी यहाँ पे मैक्सिमम है, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किसके रिलेटेड है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी लॉन्ग है, जहाँ पे भी स्केल है, वो किसके रिलेटेड है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन के फंक्शन के रिलेटेड है, ठीक है। अभी होता क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये कहता है कि आप जब चेंजेस लाओगे इनपुट में तो कितनी चेंजेस आएंगी आउटपुट में। ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ये बेचारा बड़ा सिंपल लॉ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है थोड़ा सा बड़ा, इसमें टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं समझ आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट लेक्चर अगैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ये बड़ा ही बेचारा सिंपल सा लॉ है ये, ठीक है। ये 3 stages की बात करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एक इसमें है इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग, 3 इसकी stages हैं, ठीक है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसके कौन से स्टेजेस थे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ इसकी जो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की, इसके इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, यहाँ नेगेटिव नहीं है याद रखना, ठीक है, यहाँ इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग है, ओके। तो इसमें क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा,
ठीक है, आउटपुट जब हम इनपुट अपने इंप्लॉय करते हैं तो हमारा हमारा जो आउटपुट है जब इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अगर हमारा इनपुट जो है जब हम फर्दर इंप्लॉय कर रहे हैं और हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फर्दर हम और इंप्लॉय कर रहे हैं और हमारा जो इनपुट है जो हम और इंप्लॉय कर रहे हैं और जो आउटपुट है वो फिर डिक्रीज अगर होना शुरू कर जाए, प्रोपोर्शन से डिक्रीज होना शुरू कर जाए। देखिए अगर यहाँ पे सपोज 10 है, ठीक है, ये 10 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 40 है सपोज, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो गया। 10 फिर 25 फिर 40, है ना, 10 से 10 है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था 20 होना चाहिए बट 25 आ गया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, वन सेकेंड आई ड्रॉ अगेन, ये देखिए ये ऐसे बनाते हैं हम। अगर ये 10 है, ये 25 है और ये 40 है, ठीक है, 10 है यहाँ पे, मान के चलते हैं 20 होना चाहिए था, यहाँ पे 30 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 25 है, इंक्रीज़ है, यहाँ 30 होना चाहिए था, तो 40 यूनिट्स मिल गया जी हमें आउटपुट। तो ये कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है, ये है, दिस इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो ये क्या हो गया जी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब ये 10 है, यहाँ कितना होना चाहिए था 20 बट 18 है, फिर यहाँ कितना होना चाहिए था 30 बट 24 ही आया, ठीक है, तो ये कौन सा आ गया जी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन विद लेकिन डिक्रीजिंग मार्जिन से, 10, 18 और 24, ठीक है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये जी क्वेश्चन 10th कह रहा है, व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, थर्ड स्टेज कौन सी है, तो थर्ड स्टेज ये पहली स्टेज है इंक्रीजिंग, दूसरी स्टेज है कांस्टेंट, तीसरी स्टेज है जी ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सेज द लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स के एंड एल यील्डिंग द सेम आउटपुट इज नोन एज, कौन सा ऐसा इसमें कॉम्बिनेशन है। देखिए लोकस ऑफ पॉइंट्स है जो रिप्रेजेंट करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपिटल और लेबर के जो कि सेम आउटपुट देता है, तो उसको हम कहते हैं, पहले तो इसका आंसर है आइसोक्वांट कर्व, इंडिफरेंस कर्व हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट जो एमसीक्यू सेशन था उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, इंडिफरेंस कर्व का ही मिलता जुलता है आइसोक्वांट, बिल्कुल सेम है, आइसो मीन्स इक्वल, क्वांट मीन्स क्वांटिटी, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, आप कैपिटल और लेबर के अलग अलग यूनिट्स हम लगाते हैं, कैपिटल और लेबर के अलग अलग यूनिट्स लगाते हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट है वो सेम मिलता है, आप जितने मर्जी इनपुट और ये कैपिटल और लेबर लगा लीजिए, हमें आउटपुट जो है वो सेम मिलेगा। सपोज आउटपुट है हमारा 100, तो आप इसमें 50 लेबर और 50 कैपिटल भी लगा सकते हैं, आप इसमें 60 लेबर और 40 कैपिटल भी लगा सकते हैं, अगर ये लेबर है ये कैपिटल है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन 70, 30 और 70 भी लगा सकते हैं, आउटपुट जी हमारा 100 ही रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कर्व को हम क्या कहते हैं, आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व इज़ दैट कर्व जहाँ पे आप दो इनपुट्स कैपिटल और लेबर लगाते हैं लेकिन आपको वेरियस आप अलग अलग यूनिट्स कैपिटल और लेबर के लगाते हैं लेकिन जो आउटपुट है वो आपको सेम मिलता है, तो दैट इज़ सेट टू बी आइसोक्वांट, ठीक है, ऐसे होता है। इसमें सपोज ये लेबर है, ये कैपिटल है, आपने एक यहाँ ये कॉम्बिनेशन लगा दिया लेबर को और कैपिटल का, ये कैपिटल ये लेबर, एक और कॉम्बिनेशन लगा दिया ये कैपिटल ये लेबर, एक और कॉम्बिनेशन लगा दिया ये कैपिटल ये लेबर, तो ये है जी आपका आइसोक्वांट, सेम है इंडिफरेंस कर्व के जैसे, ठीक है। तो इस इंडिफरेंस कर्व, इस आइसोक्वांट पे, इसको आईक्यू बोलेंगे, इस आइसोक्वांट पे जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स पे, उन सभी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर पे जो आउटपुट है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। ओके, तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या रहेगी, नेगेटिव, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि जब आप एक यूनिट को बढ़ा रहे हो, यानी अगर आप कैपिटल को बढ़ा रहे हो तो आपको लेबर को कम करना पड़ेगा, अगर आप कैपिटल को कम कर रहे हो तो आपको लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, तो जब एक, मैंने आपको बताया था जब एक वैल्यू इंक्रीज करती है दूसरी डिक्रीज करती है तो कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट जो है वो नेगेटिव होगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम है इंडिफरेंस कर्व जैसी, ठीक है, आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व आपको उसमें दिख जाएगा, सेम है प्रॉपर्टीज इसमें, ठीक है। जैसे कि हायर आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, जैसे इंडिफरेंस कर्व में किया था हमने, स्लोप भी इसकी नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज, सो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज व्हेन देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स के एंड एल द रिजल्टिंग आइसोक्वांट विल बी, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी बिटवीन के एंड एल, देखिए
के और एल क्या आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं? पहली बात तो ये है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो फैक्टर्स जो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर पाएं। यहाँ ये कह रहे हैं कि जी एक ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप कैपिटल और लेबर को आपस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, आपस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास सपोज कैपिटल नहीं है या लेबर नहीं है, सपोज आपके पास लेबर नहीं है तो आप कैपिटल से ही काम चला लोगे, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट ये एक ऐसी सिचुएशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन है जो पॉसिबल रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि परफेक्ट सब्सटीट्यूशन के केस में जब टू इनपुट्स के और एल को हम मानते हैं कि दे आर जे सब्सटीट्यूट्स ऑफ इच अदर, जी आप इनको सब्सटीट्यूट कर दो एक दूसरे से, तो रिजल्टिंग आइसोक्वांट विल बी योर लीनियर आइसोक्वांट। रिजल्टिंग आइसोक्वांट कैसी होगी? लीनियर आइसोक्वांट, ठीक है। इस तरीके की आइसोक्वांट होगी, ये आइसोक्वांट होगी और ये एक्स एक्सिस को टच और वाई एक्सिस को टच करेगी, यानी ये रिप्रेजेंट करती है कि एक जो है फैक्टर इसमें वो जीरो हो सकता है, ठीक है। आप सिर्फ कैपिटल से ही काम चला लोगे या सिर्फ लेबर से ही काम चला लोगे इन द एब्सेंस ऑफ अदर, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। दिस इज अनरियलिस्टिक अप्रोच, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसका हम ये करते हैं, इसके एक्सेप्शन है, तो हम दिस इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लीनियर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 सेज व्हेन अ प्रोडक्शन फंक्शन, PF क्या हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम्स अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बिटवीन K एंड L, द आइसोक्वांट टेक्स विच शेप, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड प्रपोर्शन लेती है तो कौन सी शेप अपनाती है? अगर फिक्स्ड, जैसे कि मैंने मान लिया ये कैपिटल है ये लेबर है, ठीक है, कैपिटल और लेबर का मैंने फिक्स्ड प्रपोर्शन लिया जी, इधर ये फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिर यहाँ ये फिक्स्ड, मतलब जितना कैपिटल उतना ही लेबर, जितना कैपिटल उतना ही लेबर, ठीक है, जितना K1 ये L1 मान लीजिए, ठीक है, जितना कैपिटल उतना ही लेबर, तो उस टाइम पे जो हमारी शेप बनेगी दैट इज L शेप्ड, क्या बनेगी? L शेप्ड बनेगी, या फिर L शेप्ड को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कहते हैं। जितना पोर्शन राइट एंगल्ड आइसोक्वांट भी बोलेंगे इसको, या फिर L शेप्ड आइसोक्वांट भी बोलेंगे, ये L शेप्ड आइसोक्वांट बनती है हमारी, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो L शेप्ड जो आइसोक्वांट है ना, ये इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की केस में बन रही है, कि कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो K और L है दे आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या बना? लीनियर बना, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या बना? L शेप्ड बना, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आइसोक्वांट कर्व इज क्वाइट एन अनरियलिस्टिक अप्रोच वेयर वन फैक्टर कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट्स द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी अप्रोच है जो अनरियलिस्टिक अप्रोच है आइसोक्वांट की, जो ये मान के चलती है कि दो फैक्टर्स जो हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, तो वो कौन सी है? दैट इज लीनियर, ऑब्वियसली दैट इज वॉट लीनियर आइसोक्वांट कर्व जो है वो अनरियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट्स मानती है दो फैक्टर्स को, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है ना, किंग्ड आइसोक्वांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, किंग्ड आइसोक्वांट जो है, वॉट इज किंग्ड आइसोक्वांट? नाउ किंग आइसोक्वांट जो है ये कहता है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल आर पॉसिबल। क्या मान के चलता है किंग्ड आइसोक्वांट? ये कहता है, किंग्ड आइसोक्वांट ये कहता है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल आर पॉसिबल, ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं के और एल को, दिस सब्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, हम कुछ लिमिट तक ही के और एल को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है ये कुछ लिमिटेड होते हैं, ठीक है। किंग्ड आइसोक्वांट को हम लीनियर प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो इसीलिए किंग्ड आइसोक्वांट को लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी कहा जाता है, और इसको एक्टिविटी एनालिसिस प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिविटी एनालिसिस प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट, ये भी कहा जाता है, किसको? किंग्ड को, ठीक है। इसकी ऐसे बनता है, इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है, इसका इसमें किंग्स बनती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं के और एल के, ठीक है, हू सब्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए, इट इज़ एन अनरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, ए लीनियर, ओके। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।